नमस्कार, मेरा नाम है दिशा और आप सभी का स्वागत है दिशाज क्विजीन में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगी। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मसालेदार रेसिपी भरवे बैंगन की। आइए शुरू करते हैं रेसिपी के साथ। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई में 2 करछी सरसों के तेल की ऐड करूंगी। आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में बैंगन की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। अच्छे से सरसों के तेल को सड़ा लेने के बाद यहाँ पे मैं 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सरसों ऐड करूंगी और उसे अच्छे से क्रैकल होने दूंगी। जैसे ही हमारे सरसों के दाने और जीरा क्रैकल हो जाएगा, यहाँ पे मैं 1 प्याज बारीक कटा हुआ ऐड करूंगी। मैं यहाँ पे प्याज की प्योरी भी ऐड कर सकती हूँ और प्याज की पेस्ट भी ऐड कर सकती हूँ, पर बारीक कटे हुए प्याज से सब्जी में एक हल्का सा क्रंच आता है। सब्जी थोड़ी दानेदार बनती है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अच्छे से प्याज को मैंने पकाना है। जैसे ही हमारे प्याज ब्राउन हो जाएंगे, हल्के ब्राउन हो जाएंगे, यहाँ पे हम अपने मसाले डालेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर यानी कि देगी मिर्च। ये खाने में तीखी नहीं होती है, बट ये कलर बहुत अच्छा देती है। तेल में यानी कि इस टाइम पे मसाले डालने से हमारा सब्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छे रंग देती है, बहुत ही अच्छा कलर आता है हमारी सब्जी में। अच्छे से सारे मसालों को थोड़ा सा तेल में भुनने के बाद यहाँ पे मैं 2 से 3 टमाटर काट के डालूँगी और 1 हरी मिर्च बारीक काट के डालूँगी। थोड़ा सा टमाटर गलने के बाद यहाँ पे मैं नमक ऐड करूँगी। नमक डालने से जो हमारा कुकिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, हमारी सब्जी जो है वो ज़्यादा जल्दी गल जाती है। मसाला भुन रहा है, अब हम दूसरी तरफ जो है अपने बैंगन के भरने के मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बाउल लूँगी और उसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालूँगी। ये बैंगन का मसाला है जो हम बैंगन के अंदर अभी स्टफ़ करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूंगी, 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी, धनिया पाउडर ऐड करूंगी। जो भी हमारे बेसिक से मसाले होते हैं सारे वो इसमें पड़ेंगे। उसके बाद 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करूंगी। हमारे भरवे बैंगन की जो सब्ज़ी है वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी, आपको खाकर बहुत मज़ा आ जाएगा, आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये सारे सूखे मसाले थे। अब इन सूखे मसालों में मैं 1 करछी से भी कम सरसों का तेल ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिला लूँगी और इसको एक लिक्विडी फॉर्म में बना दूँगी। हम सूखे मसाले भी जो हैं अपने बैंगन में भर सकते हैं, लेकिन सूखे मसाले क्या होते हैं, बैंगन में से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे गीला बनाकर उसके अंदर स्टफिंग करेंगे तो वो बाहर नहीं आएंगे और हमारे मसाले अच्छे से बैंगन के अंदर कोट होंगे। यहाँ पे मैंने ये छोटे साइज वाले बैंगन लिए हैं, इन्हीं को ही हम अच्छे से स्टफ करके अपने भरवे बैंगन की सब्जी बनाएंगे। भरवे बैंगन की सब्जी छोटे बैंगनों में ही अच्छी लगती है, बड़े बैंगनों में नहीं अच्छी लगती है। ऐसे ही हम 2 कट करके अपने बैंगनों के बीच में अपने मसाले को अच्छे से स्टफ करेंगे। सारे मसाले को मैं अपने सारे बैंगनों में अच्छे से स्टफ कर दूंगी। ये तेल लगाने से हमारे जो बैंगन के अंदर की जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं आती है। देखिए, मसाला हमारा अच्छे से पक गया है, तेल जो है वो साइड में निकल आया है। तो अब हम अपने जो बैंगन हैं वो अपने इस मसाले के अंदर अच्छे से डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के अब मैं इसको ढक के 5 से 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। उसके बाद मैं चेक करूंगी हमारे बैंगन जो है अच्छे से गल गए हैं या नहीं गले हैं। अगर हमारे नहीं गले हैं तो 5 मिनट के लिए फिर इसे मैं और पकाऊंगी। उसके बाद हमारे बैंगन जो है वो अच्छे से गल जाएंगे। देखिए, मैंने इसको ढक के 5 से 10 मिनट के लिए पकाया है और हमारे बैंगन जो है वो काफ़ी अच्छे गल गए हैं और हमारी सब्जी ने भी घी छोड़ दिया है, तो हमारी सब्जी जो है वो रेडी है। देखिए कितने मसालेदार और कितने ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं हमारे बैंगन। अंदर तक मसाला जो है हमारे बैंगन के गया है, बहुत ही मसालेदार हैं, रसेदार हैं। ग्रेवी कितनी ज़्यादा जो है स्वादिष्ट लग रही है। अब लास्ट में मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी और इसको अच्छे से मिला दूंगी। हमारे बैंगन की सब्जी तैयार है। अगर आप बैंगन नहीं खाते हैं तो आप प्लीज़ इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बैंगन बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे और इसे बनाना भी आसान है। तो
प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और ऐसी रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मेरे पेज को लाइक कीजिए, मुझे अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।